जब भी हम डोसा बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि दाल भिगोनी पड़ेगी, चावल भिगोने पड़ेंगे और उसे फर्मेंट करना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका 365। आज मैं बनाने जा रही हूँ 15 से 20 मिनट में तैयार होने वाला सूजी का इंस्टेंट डोसा, जो आपको टेस्ट देगा बिल्कुल आपके ओरिजिनल चावल दाल के डोसे की तरह। तो आइए चलिए बनाते हैं सूजी का डोसा। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पूरा नारियल, इसे हम करेंगे ग्राइंड। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल, ये चने की दाल है और इसे मैंने कम से कम 4 घंटे तक सोक करके रखा है। ये पूरी मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच दाल ली है। अब हम इसे भी इसमें ऐड करेंगे। दाल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ अदरक के टुकड़े, हम इसे भी डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने लिए हरी मिर्च, यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं छोटी बड़ी, तो अपने मिर्च के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी नमक, ये मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा पानी और इसका मैं बनाऊंगी यहाँ पर एक फाइन पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए हमारा नारियल जो है वो अच्छे से किस चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे 1/2 कप दही। दही ऐड करने के बाद एक बार हम इसे फिर दोबारा से ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा नारियल का चटनी जो पेस्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। अभी ये नारियल की चटनी इनकम्प्लीट है, तो इसमें लगेगा तड़का। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है फ्राई पैन, इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं डालूंगी कुछ राई के दाने, थोड़ी सी हींग, भरे यहाँ पे मैं डालूंगी 2 सूखी लाल मिर्च और यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़े से कड़ी के पत्ते। तड़का हो गया है हमारा रेडी, अब हम इसे ऐड करते हैं अपने चटनी में। अब हम इसे अपने चटनी में थोड़ा मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए जी, ये हो गई है हमारी नारियल की चटनी खाने के लिए तैयार। जी का डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सूजी, 1 कटोरी मैंने यहाँ पर सूजी लिया है, तो यही कटोरी में इसमें मिलाऊंगी दही। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जब से अच्छे से मिक्स होता है तो इसे तो इतने में आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने सूजी मिक्स कर लिया है, यह अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा पानी। लिक्विड ही रखना है हमें, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। थोड़ा और पानी डलेगा इसमें। डोसे का बैटर होता है आपको उस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो अभी सूजी और दही प्रॉपर मिक्स हो गए हैं, तो
तो इसमें अब मैं ऐड करूंगी यहाँ पे एक चम्मच, छोटा चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी है इसे ऐड करिए। ये यहाँ पर मिक्स हो गया है, अब हम इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं सूजी और दही के बैटर को। तो ये थोड़ा सा जो है टाइट हो गया है, क्योंकि सूजी जो है सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा पानी और। डोसे की पूरी जो बैटर की पूरी कंसिस्टेंसी होती है उस तरीके से ही हमें इसे बनाना है। थोड़ा सा मैं और पानी ऐड करूंगी। तो ये इस तरीके से जो है हमारा रनी बैटर जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून आटा, गेहूं का आटा जो आप नॉर्मली रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं, उसे मैं इस तरीके से मिक्स करूंगी अपने बैटर में। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। अगर आपको बैटर ऐसा लग रहा है कि आपका जो बैटर है वो टाइट है या टाइट हो रहा है, तो आप उसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा बैटर है इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब ये बैटर हमारा बनके रेडी हो चुका है, अब हम चलते हैं डोसा बनाने की तरफ। तो मैंने डोसा बनाने के लिए यहाँ पर लिया है नॉनस्टिक तवा, जिसे मैंने बिल्कुल गरम कर लिया है। अगर आपके पास फ्लैट डोसा वाला तवा है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और उस पर ऑब्वियसली डोसा अच्छा बनेगा। और जिसके पास नहीं है वो नॉनस्टिक तवे को भी यूज़ कर सकता है। तो अब मैं पहले इस पर डालूंगी थोड़ा सा पानी और उसे कपड़े से क्लीन कर दूंगी। अब हम इस पर फैलाएंगे अपने डोसे के बैटर को इस तरीके से, और इसे फटाफट से इसे फैलाते रहेंगे। आप इस पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए, चाहे आप घी लगा लीजिए या आप तेल लगा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल आपके पास अवेलेबल है, जो भी टाइप का तेल आपके पास अवेलेबल है आप उसे लगा सकते हैं। और गैस को हल्का सा स्लो और मीडियम पे आपको रखना है। तो ये देखिए डोसे पे हमारे ये देखिए नीचे से ब्राउन हो चुका है अच्छे से। थोड़ा सा हम इसे और ब्राउन करेंगे। और डोसा बनाते हुए आपको हमेशा गैस मीडियम से स्लो रखनी है, क्योंकि जितना वो स्लो पे अच्छा पकेगा अच्छे से, तो वो अपने आप ही ब्राउन होगा, अपने आप ही छूटने लग जाएगा और उतना ही ज़्यादा वो क्रिस्पी लगेगा। तो ये देखिए ये हमारा डोसा देखिए साइड से छूटना तैयार हो गया। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। तो ये मेरा पेपर डोसा बनके रेडी हो गया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी डोसा है, बिल्कुल इसको करने से देखिए कैसे आवाज़ आ रही है। तो अब आप जो है अपना चावल और दाल वाला डोसा छोड़ के आई एम श्योर अब आप ये वाला डोसा ज़रूर बनाएंगे, बिकॉज बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही क्विक बन जाता है। और मैंने यहाँ पे नारियल की चटनी भी सर्व कर रखी है, तो इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और 15 मिनट्स में बनने वाला ये इंस्टेंट डोसा है, तो अब आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये डोसा ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।